जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले अहमदाबाद में सुबह करीब 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती में शिरकत की। उसके बाद रथ यात्रा निकाली गई। अहमदाबाद में परंपरागत तौर पर मुख्यमंत्री भगवान के रथ पर सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं, फिर वो रथ को खींचते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधि विधान के साथ पहिंद विधि से रथ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। वहीं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ होता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में लाखों भक्त शामिल होते हैं। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा सरसपुर इलाके में जाएगी, जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का घर कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ पुराने अहमदाबाद के प्रेम दरवाजा के रास्ते मंदिर में वापस लौटते हैं। करीब 2 साल बाद यहां रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी। रथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त हैं। 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में 18 हाथी शामिल हुए। 101 ट्रकों में भगवान की अलग अलग झांकी शामिल की गई। साथ ही 30 अखाड़ा, 20 भजन मंडली भी भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ मौजूद है। आज के दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई में लाखों लोगों का प्रसाद बनेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां हर रोज करीब 1 लाख लोगों के लिए खाना बनता है। यहां भगवान को हर दिन 6 वक्त भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान शामिल होते हैं। भोग के बाद ये महाप्रसाद मंदिर के परिसर में ही मौजूद आनंद बाजार में बिकता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं, जिसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया। जगन्नाथ मंदिर की कथाएं पौराणिक काल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मंदिर के वर्तमान स्वरूप के बारे में ताम्रपत्रों से पता चलता है। उसके मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने आरंभ कराया था। इसके बाद सन 1198 में राजा अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। सन 1558 में विदेश आक्रांताओं ने ओडिशा पर हमला किया और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय देव प्रतिमाओं को किसी गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा गया। इसके बाद राजा रामचंद्र देव के शासनकाल में मंदिर और मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।